नमस्कार, स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग कोबरा पोस्ट में और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। इससे पहले हम खबरों की बात करें, खबरों में आगे बढ़े, अखबारों की सुर्खियों और उनकी एक्सक्लूसिव खबरों से आपको रूबरू कराएं। सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर की। बड़ी खबर आ रही है कानपुर देहात से, जहां इस वक्त एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। 14 डिब्बे रेल के पटरी से उतर गए और डीरेल हो गई है पूरी की पूरी ट्रेन और कहा जा रहा है कि 2 बोगियां नहर में जा गिरी। कानपुर के पास एक और बड़ा ट्रेन हादसा, तस्वीरें विचलित कर सकती हैं क्योंकि सब तमाम न्यूज चैनल्स ने अब तस्वीरें जारी कर दी हैं और तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। 28 लोग अब तक जख्मी बताए जा रहे हैं। सुबह 5 बजे ये हादसा हुआ जिसने रेलवे को एक बार हिलाकर रख दिया। इससे पहले आपको बता दें कि इंदौर पटना एक्सप्रेस भी इसी जगह पर, मतलब कानपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर पटरी से उतरी थी। 148 लोगों की मौतें हुई थी, लेकिन सवाल रहा था कि आखिर जिम्मेदार कौन है। जांच बिठाई गई लेकिन जांच में आज तक साफ नहीं हो पाया कि आखिर किसकी लापरवाही से हादसा हुआ। और एक बार फिर एक और बड़ा ट्रेन हादसा सुबह 5 बजे हुआ कानपुर देहात के पास। ट्रेन पटरी से उतर गई और भारी विनाश, जान माल के भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल क्या कुछ नुकसान हुआ है ये खबरें सामने नहीं आई हैं, अभी कुछ निकलकर सामने नहीं आ पा रहा है, लेकिन राहत बचाव कार्य शुरू हो चुका है बड़े पैमाने पर। जो स्थानीय निवासी हैं, पुलिस की टीमें हैं, वो वहां पहुंच गई हैं। राहत बचाव दल लगातार कोशिश कर रहा है लोगों को वहां से निकालने की, जो लोग डब्बों में फंसे हुए हैं, जो इंजर्ड हैं। तो तमाम खबरों से हम आपको पूरे दिन अपडेट्स कराते रहेंगे। पल पल की अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.hindi.cobrapost.com। इस खबर की तमाम डिटेल्स आप आज हमसे दिन भर ले सकते हैं। तो फिलहाल रुक करते हैं अगली खबरों का। वो खबरें जो पिछले 24 घंटे में अखबारों की बड़ी सुर्खियां बनी। तो शुरुआत करते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर से और पहली खबर है, नो नॉर्मलेसी इन 50 डेज, पीएम शुड क्विट, सेज दीदी एंड राहुल। हु इज दीदी? द वन एंड ओनली चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड राहुल द टॉप मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऑफ कांग्रेस, यूथ लीडर ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक साथ ताल मिलाई और पीएम मोदी की नोटबंदी पर जमकर घेराबंदी की। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कल इन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीएम मोदी से जवाब मांगा। पीएम मोदी ने नोटबंदी के बाद जो देश में असर पड़ा, देश की अर्थव्यवस्था पर जो असर पड़ा, मजदूरों पर, किसानों पर जो असर पड़ा, जिन लोगों की मौतें हो गई बैंक की लाइनों में खड़े होकर, उसका हिसाब पीएम मोदी से मांगा। राहुल ने कहा 50 दिन पूरे होने को हैं, व्यवस्था अभी भी वही है, हालात सुधरे नहीं है, तो क्या पीएम मोदी अब इस्तीफा देंगे? साथ ही साथ ममता बनर्जी ने भी सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि अब पीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि नोटबंदी के 50 दिन पूरे हो चुके हैं और हालात सामान्य नहीं है। राहुल ने 7 दलों के साथ कल पीएम मोदी पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा यह आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि नोटबंदी ने काले धन को कम नहीं किया बल्कि इसमें काला बाजारी बढ़ गई है। नोटों को बदलने के लिए एक नया काला बाजार खड़ा हो गया है, कहना है राहुल गांधी का। हालांकि जो कुछ राहुल गांधी यहां पर कह रहे हैं उसमें काफी हद तक हकीकत भी है, क्योंकि जिस तरह से पुरानी करेंसी चली गई, नई करेंसी को लोगों ने वारे न्यारे कर दिए। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े नेताओं के पास से बड़े बड़े अंबार बरामद हुए हैं नई करेंसी के, जबकि लोग बैंकों की लाइन में खड़े तरसते रहे 2000 रुपए के लिए। हिंदुस्तान टाइम्स का रुख करते हैं, फेस ऑफ इन दिल्ली, स्किट ऑफ इन गोवा। ये तस्वीर आप देखिए, रनवे पर शायद ही आपने कभी किसी विमान को इतने आसपास देखा होगा। जो बीच का फासला है वो सिर्फ 50 मीटर है। तो कल आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट और साथ ही साथ गोवा में एयरपोर्ट पर 2 बड़े विमान हादसे टले हैं और इसमें 200 लोगों की जानें बच गई हैं। हादसा क्या है ये हम आपको बताते हैं। आईजीआई एयरपोर्ट पर आमने सामने आ गए थे 2 प्लेन और वजह थी कोहरा। कोहरा इतना ज्यादा था कि दोनों पायलट्स को दूरी का अंदाजा नहीं लगा और दोनों ही एक दिशा में मूव करते रहे, जिसके बाद जब 50 मीटर का फासला रहा तो बमशक्कत करने के बाद उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने प्लेन को कंट्रोल किया। आईजीआई एयरपोर्ट पर मंगलवार सुबह 7:30 बजे 2 विमानों की टक्कर होने से बच गई। दोनों विमानों में 375 लोग सवार थे। हैदराबाद जाने के लिए स्पाइस जेट का विमान टैक्सी बे में खड़ा था। फ्यूल लेने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC ने इजाजत मिलने के बाद
वो आगे की ओर बढ़ा। उस समय घना कोहरा था। लखनऊ से आया इंडिगो का विमान उसी वक्त टैक्सी वे में आगे बढ़ा। सामने से प्लेन आता देख पायलटों ने दोनों विमान रोककर इस बड़े हादसे को होने से टाल दिया। ये तो बात थी दिल्ली की। अब जरा गोवा का हाल सुनिए, गोवा में क्या कुछ हुआ। गोवा एयरपोर्ट पर भी मंगलवार को बड़ा विमान हादसा होने से बचा। जेट एयरवेज का विमान टेक ऑफ से पहले रनवे पर 360 डिग्री तक घूम गया। उसकी नोज जमीन पर झुक गई, एक विंग टूट गया। जेट एयरवेज की फ्लाइट 9W472 दुबई से आई थी और उसे मुंबई जाना था। विमान के अंदर 154 यात्री और 7 क्रू मेंबर सवार थे। विमान के अंदर दहशत फैल गई। यात्रियों को निकालने के दौरान 12 से 15 लोग जख्मी भी हो गए। तो एक बड़ा हादसा। क्या कह सकते हैं, क्या सुरक्षित है, सड़कें सुरक्षित हैं, हवाई यातायात सुरक्षित है, या फिर रेलवे को सुरक्षित माना जाए। जिस तरह से हर जगह हादसे बढ़ रहे हैं, जब से कोहरा पड़ना शुरू हुआ है, हर रोज अखबारों में सड़क हादसों का जिक्र होता है, खबरें बनती हैं। इसके अलावा ट्रेन, आज हमने आपको बताया एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है कानपुर के पास, और कल दो बड़े हादसे रनवे पर होने से बच गए एयरपोर्ट्स पर। तो ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी जान सफर के दौरान कितनी सुरक्षित है। खैर, रुक करते हैं अगली खबर का। द हिंदू की खबर है, बैंक डिपॉजिट्स इन ऑर्डर मायावती। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कल पीएम मोदी की जमकर कलाई खोली और नोटबंदी पर उनकी उल्टे उन्हें घेर लिया। मामला क्या था? मामला था कि बीजेपी ने आरोप लगाया था कि बैंक से मायावती के खाते में, यानी कि बसपा पार्टी के खाते में 104 करोड़ का काला धन रखा गया है। तो माया जाल में फंसी माया तिलमिला गई और उन्होंने उल्टे बीजेपी को ही लंबे हाथों ले लिया। देश में नोटबंदी के बाद अपने भाई और बसपा के खाते में 100 करोड़ से ज्यादा रुपए जमा किए जाने संबंधी खबरों से तिलमिलाई बसपा सुप्रीमो ने इसे उनकी छवि खराब करने की केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा की साजिश करार देते हुए दावा किया कि नोटबंदी के कारण बौखलाए भगवा दल ने इस घिनौनी हरकत से बसपा को ही राजनीतिक फायदा पहुंचाया है। मायावती ने कहा कि चुनावी वादा खिलाफी और नोटबंदी के कारण हो रही हार से दुखी केंद्र में भाजपा नरेंद्र मोदी सरकार के लोग प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर बसपा और उसके सर्वोच्च नेतृत्व की छवि खराब करने की कोशिश में लगे हैं। और साथ ही साथ बड़ी बात यह है कि कल मायावती ने पूछ लिया कि पहले बीजेपी इस बात का हिसाब दे कि देश भर में बीजेपी के दफ्तरों में कितना काला धन जमा हुआ है, नोटबंदी के बाद कितना पैसा बीजेपी के खातों में आया है, पहले इसका हिसाब दे, उसके बाद वो दूसरी पार्टियों से हिसाब मांगे। यानी वार और उसके बाद फिर पलटवार मायावती की तरफ से पीएम मोदी और बीजेपी की तरफ। आपको यह भी बता दें कि मायावती ने कहा है कि जितना भी पैसा बैंकों में जमा हुआ है बसपा पार्टी के, वो तमाम सुचारू रूप से हुआ है, क्योंकि पैसा पहले ही आ चुका था, पार्टी के दफ्तरों में रखा हुआ था, लेकिन इसी बीच नोटबंदी हो गई और नोटबंदी के बाद उन्होंने उस पैसे को जमा कराया। वो काला धन नहीं है बल्कि चंदे से आया हुआ पार्टी का अपना पैसा है, जिसके बाद वो दावा कर रही हैं कि अगर कोई मांगे तो वो पाई पाई का हिसाब देने के लिए तैयार हैं। खैर, मायावती ने कल उल्टा मोदी और बीजेपी को घेर लिया। रुक करते हैं अगली खबर का। था इंडियन एक्सप्रेस की खबर है और खबर सीधे बिहार से है। 50% रिजर्वेशन इन बिहार जुडिशियल सर्विसेज, वुमेन कोटा रिमेन्स। बिहार की ज्यूडिशियल सर्विसेज में 50% कोटा लग गया है और इसके साथ ही जो कोटा लगा है वहां महिलाओं का कोटा भी सुरक्षित कर दिया है। क्या कुछ पूरी खबर है, चलिए आपको बताते हैं। राज्य की न्यायिक सेवाओं की बहालियों में 50% आरक्षण लागू होगा। मंगलवार को कैबिनेट ने बिहार उच्च न्यायिक सेवा और बिहार असैनिक सेवा की नियुक्तियों में आरक्षण लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इस प्रस्ताव को अब हाईकोर्ट से भी मंजूरी मिल चुकी है। अभी उच्च न्यायिक सेवा में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। अब इसमें पिछड़े, अति पिछड़े, एससी और एसटी और निःशक्त को कुल 50% आरक्षण मिलेगा, जबकि असैनिक सेवा न्याय में अभी एससी को 16%, अनुसूचित जनजाति 1% और अति पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण मिलता है। तो एक बड़ा कदम कह सकते हैं। जैसे कि यूपी में अखिलेश यादव ने 17 अनुसूचित जनजातियों को एससी एसटी में शामिल कर लिया है, उनका बेनिफिट किया है, और इस तरह से ही उसी तर्ज पर अब बिहार सरकार चली है और उन्होंने भी 50% आरक्षण सुरक्षित कर दिया है एससी एसटी के लिए। तो
जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। पंजाब केसरी का रुख करते हैं, काले मन से भी मिलेगी मुक्ति, कहना है पीएम नरेंद्र मोदी का। कल पीएम की देहरादून में रैली थी। गौरतलब है कि अगले साल उत्तराखंड में चुनाव होने हैं, इसलिए तमाम पार्टियां पांचों राज्य में रैलियां कर रही हैं। इस चुनावी रैली में कल देहरादून पहुंचे पीएम मोदी और उन्होंने कल फिर नोटबंदी का जिक्र करते हुए इसे आम आदमी से जुड़ा एक अच्छा फैसला बताया सरकार का। कहा कि नहीं, ना सिर्फ काले धन से बल्कि काले मन से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, बड़े बड़े राजनेता हैं, जो कि काले धन के अंबार लगाए बैठे हैं, आपको ऐसे तमाम लोगों से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि अब बहुत जल्द ऐसे लोगों पर गाज गिरने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में परिवर्तन रैली के दौरान नोटबंदी का विरोध करने को लेकर कांग्रेस पर एक बार फिर निशाना साध लिया। परेड ग्राउंड पर लोगों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि नोटबंदी के फैसले से पल भर में आतंकवाद, ड्रग माफिया, अंडरवर्ल्ड, मानव तस्करी की दुनिया तबाह हो गई। पीएम मोदी ने नोटबंदी को सफाई अभियान बताते हुए कहा कि सिर्फ काले धन से ही नहीं बल्कि काले मन वालों से भी देश को मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि इन्होंने भी देश को तबाह कर दिया है। एक बड़ी बात यह है कि चार धाम प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने आए पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में देश ने भरपूर समर्थन दिया, 30 साल बाद दिल्ली में पूर्ण बहुमत दिया, आपने मुझे चौकीदार बनाया है, अब मैं आपकी चौकीदारी कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप लोग मेरा ऐसे ही समर्थन करते रहेंगे और मेरे साथ मिलकर देश को सफाई करने के अभियान में मेरा साथ देंगे। दैनिक जागरण का रुख करते हैं, खबर अब जो भी है वो नोटबंदी से जुड़ी है। अलग अलग एंगल से देखिए देश में नोटबंदी से क्या कुछ हाल हुआ है। आम लोगों के लिए खास होगा ये बजट। बजट आने वाला है और बहुत मुमकिन है कि इस बार बजट 1 फरवरी को आ जाए। तो 1 फरवरी को जो बजट आएगा उसमें बहुत कुछ खास होगा। क्या कुछ खास होगा ये हम आपको बताते हैं। व्यक्तिगत आयकर और कॉर्पोरेट टैक्स की प्रक्रिया होगी आसान। देश में प्रत्यक्ष करों की दरें भी कम हो सकती हैं। विकास दर बढ़ाने को प्रोत्साहन पैकेज की उम्मीद है और अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने का क्षेत्रवार फोकस होगा। विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने को दूर होगी विसंगतियां और किसानों की आय दोगुनी करने के उपायों पर जोर होगा। इसके अलावा 14 से लेकर 18 वर्ष की आयु में कौशल विकास के खास उपाय किए जाएंगे। कल नीति आयोग के साथ बैठक हुई पीएम मोदी की, जिसमें कई लोग और भी शामिल हुए, बड़े बड़े अधिकारी शामिल हुए। उस बैठक में तमाम चीजों पर जोर दिया गया, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई। तो कयास लगाए जा रहे हैं, जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पानगढ़िया, तो कयास ये लगाया जा रहा है, उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं हम बजट पर फोकस कर रहे हैं और इस बार का बजट खास बनाने के लिए उम्मीद करी जा रही है, खास तौर से किसान के लिए, गरीब के लिए, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए, जिनके पास रोजगार नहीं है, और ऐसे लोगों के लिए जो 14 से लेकर 18 वर्ष की आयु वर्ग के बीच के लोग हैं, ऐसे लोगों के बीच सरकार का ज्यादा ध्यान रहेगा इस आने वाले बजट में। एनबीटी का रुख करते हैं, कार खरीदारों पर सख्त सरकार। अगर आपके पास भी कार है तो अब सोच लीजिए कि आप पर भी एक और गाज गिरने वाली है, क्योंकि बहुत जल्दी कार खरीदार अब सरकार के घेरे में होंगे। नोटबंदी के बाद देश भर में नोटों की छापेमारी के बाद इनकम टैक्स विभाग की नजर अब कारों के खरीदारों पर है। खबरें हैं कि देश भर में बड़े कार डीलरों को नोटिस जारी करके 8 नवंबर यानी कि नोटबंदी के ऐलान के बाद खरीदी गई कारों और उनके ग्राहकों का ब्यौरा मांगा गया है। इसमें सिर्फ लग्जरी ही नहीं बल्कि सभी तरह की कारें शामिल हैं। कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स विभाग इन खरीदारों को 1 से 15 जनवरी के बीच नोटिस भेजने की तैयारी में है। आपको यह भी बता दें कि 24.40 लाख लोगों ने ही घोषित की है 10 लाख से ज्यादा की आमदनी। खैर, इस खबर को डिटेल में आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है वो यही है कि अब कार खरीदारों पर भी सरकार की पैनी नजर होगी, और अगर आपके पास कार है तो आपको उसका टैक्स भरना ही पड़ेगा। इससे पहले आपको बता दें कि सरकार प्लानिंग कर रही थी कि जिसके पास पार्किंग स्पेस नहीं है, पार्किंग एरिया नहीं है, उसको कार का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, और अब दूसरी मुसीबत कार धारकों के लिए एक और आ गई है। अमर उजाला का रुख करते हैं, आयकर रिटर्न से लेकर खाते तक सब कुछ फर्जी, हड़प लिए करोड़ों रुपए।
आयकर रिटर्न में लखनऊ में महाघोटाला। देखिए इस हेडलाइन को देखिए, इसे महाघोटाले का नाम दिया है अखबार ने। हो सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी खबर है। जालसाजों ने दो वित्तीय वर्षों में रिफंड में किया फर्जीवाड़ा, आयकर अधिकारी ने 100 लोगों पर दर्ज कराया केस। कैसे यह महाघोटाला हुआ है यह सुनिए। पुलिस का मानना है कि जालसाजों ने आयकर विभाग से साठगांठ करते हुए बड़े करदाताओं के बारे में जानकारियां जुटाई। इसके बाद करदाताओं के नाम से विभिन्न बैंकों में फर्जी खाते खोले गए। रिटर्न भरने में इन्हीं खाता नंबरों का उल्लेख किया गया है और रिटर्न्स के पैसे जमा कराए गए। इसमें बैंक कर्मी की भी मिलीभगत का अंदेशा लगाया जा रहा है, यानी करदाताओं के पैसे से भी अब इनकम टैक्स विभाग को करोड़ों का चूना लगा दिया है। कितने शातिर दिमाग लोग बैठे हैं देश में, इस बात का अंदाजा शायद आप नहीं लगा सकते। बैंकों की मिलीभगत एक बार फिर सामने आई है। शर्मनाक बात यह है कि जिन बैंकों पर भरोसा करके हम अपनी मेहनत और खून पसीने की गाड़ी कमाई उन्हें सौंपते हैं, अब वही जालसाजी के बड़े अड्डे बन चुके हैं। शर्मनाक बात है और दिल को दुखाने वाली एक चीज है। खैर, दैनिक भास्कर का रुख करते हैं। फ्रंट पेज पहली खबर, बजट में टैक्स पर कड़े फैसले के लिए संकेत दिए गए हैं। इनकम टैक्स रिटर्न में सिर्फ 16 लाख लोगों ने कराई, 16 लोगों ने कमाई 10 लाख रुपए ज्यादा बताई, पर देश में हर साल बिकती हैं 27 लाख से ज्यादा कारें। यह देश का हाल है। देखिए आप, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की बारी आई तो सिर्फ 16 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हां हमारी कमाई 10 लाख से ऊपर है सालाना, जबकि हर आदमी ने अपनी कमाई 10 लाख से नीचे बता दी। जबकि सच्चाई यह भी है कि देश में हर साल 27 लाख कारें बिक रही हैं। आखिर कहां से आता है ये पैसा? अगर पैसा मेहनत से कमाया हुआ है तो फिर उसे टैक्स स्लैब में क्यों नहीं शामिल किया जाता, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन यहां आपको बता दें, आंकड़े देखिए, होम लोन और गोल्फ के आंकड़े भी बताते हैं कि लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं। होम लोन और गोल्ड के आंकड़े बताते हैं कि लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं। पहले पीएम फिर मंत्री टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की बात कर चुके हैं, तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ सकता है। 57% व्यक्ति आयकर सिर्फ 0.044% लोगों ने दिया। मतलब टैक्स चोरी का कितना बड़ा खेल हमारे देश में चल रहा है, यह खबर उसकी पुष्टि करती है कि हम होम लोन में गड़बड़ी करते हैं, हम होम लोन लेते हैं, हम गोल्ड खरीदते हैं, लेकिन हम टैक्स नहीं भरते हैं। आखिर कब जागेगा इंडिया, कब इंडिया को इस बात का एहसास होगा कि टैक्स जमा करना कितना जरूरी है, देश के लिए पैसा देना कितना जरूरी है। अगर हम अपनी कमाई से कुछ फीसदी हिस्सा सरकार को देते हैं तो सरकार उस हिस्से का इस्तेमाल देश की बढ़ोतरी के लिए करती है। लेकिन इंडिया है कि हमें जरूरतें सब चाहिए, हमें सब कुछ आधुनिक चीजें चाहिए, लेकिन हम टैक्स नहीं भरेंगे। एक और बड़ी खबर है, कॉमनवेल्थ घोटाले के आरोपी कलमाड़ी बने भारतीय ओलंपिक संघ के आजीवन अध्यक्ष। हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष अभय चौटाला भी आजीवन अध्यक्ष बने रहेंगे। 70,000 करोड़ के घोटाले में 10 महीने जेल में रह चुके हैं कलमाड़ी और मामला अभी भी कोर्ट में है। बावजूद इसके इन्हें कॉमनवेल्थ घोटाले के इस बड़े आरोपी को भारतीय ओलंपिक संघ में आजीवन अध्यक्ष बना दिया गया है। कॉमनवेल्थ घोटाले में नाम सामने आया था, सुरेश कलमाड़ी उस वक्त कॉमनवेल्थ घोटाले में कॉमनवेल्थ के अध्यक्ष थे और बड़ा घोटाला यहां पर हुआ था। लाइटों से लेकर टॉयलेट टिश्यू पेपर्स तक, खाने से लेकर तमाम चीजों तक, खिलाड़ियों की ड्रेस से लेकर कपड़ों तक, खेल के सामान तक, फ्लाई ओवर से लेकर साज सज्जा तक, तमाम जगहों पर घोटाले की खबरें सामने आई थी और एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है सुरेश कलमाड़ी को। खैर, फैसला कैसे लिया गया ये अब जरा आप ही सोचिए, अंदाजा लगा सकते हैं। मीटिंग में शामिल होंगे, फैसले नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा स्विस बैंक में 5900 करोड़ होने का आरोप और ओलंपिक में हिस्सा लेने से रोका गया था। ये वो चीजें हैं जो सुरेश कलमाड़ी के करियर से जुड़ी हुई हैं, इनके साथ अब तक जो कंट्रोवर्सी हुई है उनसे जुड़ी हुई चीजें हैं। हिंदुस्तान का रुख करते हैं और खबर की बात करते हैं, आज की आखिरी खबर की। पुराने 80% नोट बैंकों में लौटे, नए सिर्फ 25% जारी। नोटबंदी के 50 दिन, आज 28 तारीख है और नोटबंदी के 50 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन हाल क्या है वो आप जरा सुनिए।
जब से पीएम मोदी ने नोटबंदी की थी 8 नवंबर को यह फैसला लिया था। इसके बाद 80% नोट पुराने नोट बैंकों में लौट आए हैं, जबकि रिजर्व बैंक ने सिर्फ 25% नए नोट जारी किए हैं। नोटबंदी का फैसला अपने मकसद में कितना खरा उतरा, हिंदुस्तान अखबार ने इसका जायजा तलाशने के लिए पिछले 50 दिनों के तथ्यों का विश्लेषण किया। इसमें सामने आया कि काले कारोबार पर कुछ लगाम तो लगी, पर नोटों की किल्लत कायम रही। जरूरत के 25% नए नोट ही जारी हुए, इस रिपोर्ट में दिखाया गया है। क्या कुछ जमा हुआ, कितना जब्ती की गई, कहां कहां जांच हुई, कितना जुर्म घटा और क्या कुछ हुआ है। लेकिन हकीकत यही है कि कुल मिलाकर जितना इफेक्टिव ये चीज हो सकती थी, नोटबंदी का फैसला जिस तरह से बताया जा रहा था कि पीएम मोदी का बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सामने आएगा, इससे देश में काले धन पर लगाम लगेगी, आतंकवाद पर लगाम लगेगी, आतंकवाद स्पॉन्सर करने वाली कंट्रियों पर लगाम लगेगी, नक्सलियों पर लगाम लगेगी, बड़े बड़े जो धन्ना सेठ हैं उनके खातों से पर लगाम लगेगी। लेकिन शायद ऐसा नहीं हो सका, जैसा सोचा था ऐसा नहीं हो सका। क्या कुछ रीजन सामने आए, फिलहाल ये एक बड़ा रीजन है कि शायद फुल प्रूफ प्लानिंग नहीं की गई थी, बिना प्लानिंग के ही काम हुआ है और शायद उसका खामियाजा आज जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही है, कल फिर इसी वक्त कुछ और खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। लेकिन देश और दुनिया की पल पल की अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.hindi.cobrapost.com। तो फिलहाल आपसे लेते हैं विदा, नमस्कार।